स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसे जानने के लिए पहले उसकी पहचान हमें बहुत जरूरी है। तो पहचान क्या है? द फंक्शन एक्स इक्वल टू एफ टी वाई इज इक्वल टू जी टी नो एज पैरामीट्रिक फंक्शन। यानी कि यहाँ पे एक्स वाई के साथ एक तीसरा चर और आएगा, वेरिएबल और आएगा। तो इस तरह के जो अगर फंक्शन दिए हैं तो उन्हें हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। यहाँ पे एक्स और वाई जो होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और जो टी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है सर, इंडिपेंडेंट और एक्स और वाई डिपेंडेंट। तो क्या करेंगे हम, इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और वाई वाले को एक्स वाले से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके हमें क्या निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये चार क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चार क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन है, ये दो बार आया हुआ 2014 और 16 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2016 में आया हुआ है। मुझे चौथा क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ। ये चार क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इन चार क्वेश्चनों कर लोगे तो इन्हीं के बेस पे और क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इफ एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई वेयर टी इज इक्वल टू पाई बाय 3। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई ये दो, एक एक्स और एक वाई दो दिए हुए, तो हमें क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना। तो पहले वाले का भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और जो दूसरा फंक्शन है उसका भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे वाले को पहले वाले से डिवाइड कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। जब पूरा डिफरेंशियल हो जाएगा उसमें टी के स्थान पर रख देंगे पाई बाई 3। ठीक है, तो देखिए करते हैं। ठीक है, एक ये है, दूसरा क्या है, तो इसे कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो वो आएगा डी डी टी ऑफ वाई, यानी डी वाई ओवर डी टी। ये कॉन्स्टेंट है, वन का डिफरेंशियल जीरो और कॉस का माइनस साइन टू टी और टू टी का टू। किससे हुआ ये बताइए ना, चेन सिस्टम से, चेन रूल से, पहले कॉस का साइन और फिर टू टी का टू। तो कितना आ गया ये, टू ए साइन टू टी। ऐसे हिस्सा करेंगे, देखिए हम डी एक्स अपॉन डी टी क्या है बताइए, यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ए कांस्टेंट है, टी का हो गया वन और साइन टू टी का टू साइन टू टी, साइन टू टी का कॉस टू टी, साइन टू टी का क्या हो, कॉस टू टी और टू टी का टू। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ए टू दोनों में से कौन आ जाएगा, क्या बचा, वन माइनस के कॉस टू टी। अब देखिए यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लगा दो जिससे वन कट जाए, तो वन काटने वाला फॉर्मूला चाहे तो बाद में लगा सकते हो चाहे ही लगा सकते हो। ठीक है, तो वन काटने वाला फॉर्मूला वन माइनस टू, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर टी। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कोस टू टी का वन माइनस के टू होता है लेकिन इसकी वजह से प्लस हो गया, तो ये वन से वन कट गया। ये आ गया दो दूनी चार ए साइन स्क्वायर टी। अब देखिए इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन टी कोस टी, ये हो गया फोर ए साइन टी कोस टी। निकालना क्या, ये देखिए क्या है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई कितना है, डी डी एक्स ऑफ वाई ऑन डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स डी डी वाई अपॉन डी टी और डी डी एक्स डी डी टी ऑफ एक्स डी डी टी ऑफ वाई और डी डी टी ऑफ एक्स। ये कितना है, ये निकाला हमने, और यहाँ रख दीजिए, देखिए इसके स्थान रखने हम ये फोर ए साइन टी कॉस टी और इसके स्थान पर ये रखेंगे फोर ए साइन स्क्वायर टी। फोर ए से फोर ए कैंसिल, स्क्वायर से साइन कैंसिल, क्या बचा
cos t अपॉन sin t, और ये क्या होता है, ये होता है tan cot t, इतना नहीं होगा। आप क्या रखना, देखिए t के स्थान क्या रख देना, पाई बाय थ्री, क्या रख देना t के स्थान पे, cot t इज इक्वल टू पाई बाय थ्री यहां पर रख देंगे, तो ये होगा cot पाई बाय थ्री। cot पाई बाय थ्री की क्या वैल्यू होती है, cot पाई बाय थ्री वही होता है जो टेन तीस का होता है, यानी वन अपॉन रूट थ्री, ये आंसर आ गया हमारा। 2018 में आया हुआ है, दो फंक्शन दे रखे हैं देखिए हमें, और हमें जो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना टी इज इक्वल टू पाई बाय थ्री पे, 2018 में आया हुआ बिल्कुल इस टाइप का फंक्शन क्वेश्चन है। तो क्या करना, पहले हमें दोनों को डिफरेंशियल करना है टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका जो डिफरेंशियल होता है लास्ट में वन हो जाता है, और जो डिपेंडेंट होता है वेरिएबल उसका डिफरेंशियल ऐसे ही रहता है, यानी डी डी एक्स डी डी टी ऑफ एक्स या डी डी टी ऑफ वाई, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका हो जाएगा वन। तो देखिए कैसे करते हैं, दूसरा क्या है, ठीक है, तो हम डिफरेंशियल करते हैं, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करने के लिए मैं इसकी अंदर एंट्री कर देता हूं, तो अंदर एंट्री करेंगे ये हो जाएगा साइन टू टी, और ये हो जाएगा साइन टू टी कॉस टू टी, मैं दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं और टू से डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा साइन टू टी, और ये हो जाएगा फोर ओ टू साइन टू टी कॉस टू टी, बात समझ मारे। अब देखिए ये हो गया टू साइन टू टी, ये फॉर्मूला हो गया, साइन टू का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए, तो टू पहले से ही, तो ये जाएगा साइन फोर ए, यानी साइन फोर टी। अब डिफरेंशियल कर देते हैं इसका, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी डी एक्स अपॉन डी टी, देखिए साइन टू टी का डिफरेंशियल टू, ऐसे ही साइन टू टी का हो जाएगा कॉस टू टी और टू टी का टू, ऐसे ही करेंगे साइन फोर टी का कॉस फोर टी और फोर टी का फोर, चेन सिस्टम से पहले साइन का किया फिर फोर टी का किया, अब चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए टी का वन हो गया, तो यहां से टू कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन ले लिया, ये बचा दो दूनी चार, चार कॉमन आ गया, टू ए टू ए, क्या बचा कॉस टू टी प्लस के कॉस फोर टी, दो दूनी चार। अब इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला पहले लिख लूँ, ये बाद में थोड़ा सही लगेगा, कॉस फोर टी कॉस टू टी फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी यानी कि फोर टी प्लस टू टी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी, फोर टी माइनस टू टी अपॉन टू, अब देखिए सॉल्व किया मैंने, तो ये हो गया चार दो छः, यानी ये दो से कट जाएगा, कितना बचा छः में से दो है थ्री टी, और यहाँ देखिए चार में से दो गए टू टी और टू से टू कट गए, कितना आ गया कॉस टी, यानी ये आ गया आपका फोर ए कॉस थ्री टी कॉस टी, बिल्कुल ऐसे ही अब हम सॉल्व करेंगे इस वाले को, देखिए इसे करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसकी अंदर एंट्री कर रहा हूँ, तो अंदर एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टू टी माइनस के कॉस स्क्वायर टू टी, अब मैं इसका डिफरेंशियल कर देता हूँ, देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, वाई का डी डी टी ऑफ वाई, पी एस रहेगा कॉस टी का माइनस के साइन टू टी या टू का टू, इसमें देखिए पहले घाता करेंगे चेन सिस्टम से, पहले घात का फिर कॉस का फिर टू टी का, तो घाता करेंगे यानी पावर का घात पहले आएगी, यानी पावर पहले आई कॉस रेज टू पावर टू, टू पहले आया कॉस टू
टी। अब कोस का करेंगे, कोस का होता है माइनस और उसके बाद टू टी का और करेंगे, तो टू टी करेंगे तो टू इंटू वन यानी टी का हो गया वन। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए दो ये है, ये वाला दो, एक और हो जाएगा बाहर और विथ माइनस 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 ये तो हो गया प्लस, ठीक है, तो वो माइनस में अंदर ही रहने दो। ये बचा माइनस का साइन टू टी, ये वाला दो बाहर चला गया, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया टू साइन टू टी और कॉस टू टी, ठीक है, समझ आ गई। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, फिर साइन टू का होता है टू साइन ए कोस ए, यहाँ टू ए पहले से ही है, तो ये हो जाएगा साइन फोर ए का माइनस के साइन टू टी, ये किसका हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, साइन फोर ए यानी फोर टी। अब इसमें जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया ऐसे यहाँ लगाएंगे, साइन को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा बढ़िया लगेगा, तो साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला, ये सी का काम कर रहा है और ये डी का, तो साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कोस सी प्लस डी यानी कि फोर टी प्लस टू टी बटे टू इंटू साइन बोलिए सी माइनस डी, इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया फोर बी कोस चार दो छ और दो तीन छ यानी कि थ्री डी, यहाँ कितना है चार में से दो के दो, दो से दो कट जाएगा, ये आ गया, ठीक। निकालना क्या हमें, हमें निकालना ये, तो इसका मतलब आप डिवाइड कर देना है दूसरे वाले को, ठीक है, तो मैं कहाँ करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, मैं देख तो निकालना क्या है, तो यहाँ निकाल देते हैं, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हुआ, डी डी टी ऑफ डी डी टी ऑफ वाई और डी डी टी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली फोर बी कोस थ्री टी साइन टी, नीचे क्या है, ये वाला फोर ए कोस थ्री टी इंटू कोस टी। अब देखिए फोर से फोर कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस होता है टेन यानी बी अपॉन ए इक्वल टू टेन टी, और टी के स्थान के रखना पाई बाई थ्री, तो पुट टी इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री रख देते हैं टी के स्थान पे, तो यह आ जाएगा पाई बाई थ्री बोले तो टेन साठ, टेन साठ का मान कितना होता है रूट थ्री, ये आंसर है, दिस इज आंसर। इफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट, एक्स ये दिया हुआ वाई ये दिया हुआ, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है, इस टाइप का देखिए, एक एक्स बराबर दे रखा वाई बराबर दे रखा और इस फॉर्मूले से हमें निकालना, दो क्वेश्चन पहले हो चुके, तीसरा हो रहा बिल्कुल वैसा ही है, चार क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप अपना कर सकते हैं, इनको सही समझ लीजिए। जो पहला है मैंने उसको लिखा एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस वन अपॉन टी, और दूसरा है वाई इज इक्वल टू ए टी माइनस वन अपॉन टी, वही लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ भी ऐसे लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो पहले से ही कर देते हैं, किसी का भी कर सकते हो पहले, इसमें ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के, पहले इसे करना, तो देखिए ए तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, टी का डिफरेंशियल वन, टी यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वन अपॉन टी का क्या होगा, वन अपॉन टी का हाँ माइनस के वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर जाएगी ये होता है फॉर्मूला, या चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला माइनस के एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन, यहाँ पर देखिए वन है तो क्या करा, माइनस पहले से ही माइनस आएगा प्लस हो गया, और टी की पावर नीचे एक और जुड़ जाएगी, इस तरह से करना है ए
कॉन्स्टेंट है, टी का डिफरेंशियल हो गया वन, इसका हो जाएगा माइनस के वन अपॉन टी स्क्वायर। ये ऐसे कर सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे घात माइनस होगी, घात पहले आएगी और उसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या हमें, इनको डिवाइड करना है। देखिए इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी, इसकी वैल्यू ये है। इसकी वैल्यू ये आ गई, ए से एक कटा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा, क्या बचा यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये हमें लाना ये आंसर, देखिए एक्स वाई में लाना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करेंगे कहाँ से, इसको देखिए यहाँ कर देते हैं नौ एक्स अपॉन वाई, क्योंकि मुझे एक्स बटे वाई के रूप में लाना आंसर, तो इसलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। क्या आएगा यहाँ पे, ए टी प्लस वन अपॉन टी और वाई कितना है, ए टी माइनस वन अपॉन टी। सॉल्व करते हैं इसको, तो एलसीएम ले लें इसका, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी, यहाँ पर वन मान लीजिए, यहाँ भी वन मान लीजिए, यहाँ क्या आया बताइए, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी, इसे कर दें टी से टी कैंसिल हो गया। अब देखिए जरा यहां ध्यान से, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं इसके स्थान पर y, इसे डाल देते हैं एक फ्रॉम फर्स्ट, तो कितना आ गया, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना है, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है, x बटे y। This is proved. और कैसे करते हैं, तरीका वही है, पहचान सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शन है ये, क्यों है पैरामेट्रिक फंक्शन, क्योंकि x और y के अलावा एक तीसरा वेरिएबल और आ गया, जब तीन वेरिएबल हो जाए किसी भी समीकरण में, क्वेश्चन में, फंक्शन में, तो पैरामेट्रिक होता है। x और y जो कहलाएंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो तीसरा वाला होगा जो दोनों में कॉमन होगा एक जैसा होगा उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू एफ टी यानी टी में ही हो, इसके स्थान पे कुछ भी हो सकता है, टी यू वी डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई होंगे, ठीक है, तभी तो हम निकलेगा डी डी एक्स और वाई। तो आप देखिए करते हैं, पहला मैंने ये लिखा वाई इज इक्वल टू टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, दूसरा है एक्स इज इक्वल टू टू कॉस थीटा माइनस के कोस टू थीटा। तो लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, टी नहीं लिखना थीटा लिखना, आप डी वाई अपॉन डी थीटा या डी डी थीटा, डी डी थीटा ऑफ वाई, साइन थीटा का डिफरेंशियल बताइए क्या होता है, कोस थीटा, साइन टू थीटा का कोस टू थीटा का, टू थीटा का टू, तो यहाँ से टू कॉमन ले लिया, ये हो गया कोस थीटा माइनस के कोस टू थीटा, ठीक है। ऐसे यहाँ से देखिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या है यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा, कोस का डिफरेंशियल माइनस का साइन थीटा, और कोस टू थीटा का माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन टू थीटा, टू थीटा का टू, तो ये टू कॉमन ले लेते हैं, प्लस वाला मैं थोड़ा शुरू में रख लूँ अच्छा लगता है, माइनस के साइन थीटा, ठीक। अब क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स और आ क्या है डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी, यानी इस वाले को इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा बटा टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, टू से टू कैंसिल, ऊपर लगा देंगे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है,
बताइए cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d यानी दिस प्लस दिस अपॉन 2 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इनटू यस sin d माइनस c उल्टा यानी दिस माइनस दिस अपॉन 2 अपॉन अब देखिए हमें sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 c के स्थान पर ये है और d के स्थान पर ये है क्या है यहाँ पे इनटू कॉस इनटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सेम टू सेम है ये कैंसिल हो गया दो से दो कैंसिल हो गया ये हो गया साइन थीटा टू थीटा थ्री थीटा ऐसे यहाँ पे कॉस थ्री थीटा अपॉन टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन कितना होता है टेन थ्री थीटा अपॉन टू देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को आप लास्ट में एसपी मैथ्स चैनल जहां देखा है वहां रेड बटन पे दबा के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो